हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, आपका सेल्फ प्रिपेयर गुरु जी। दोस्तों, यहां पे मेरे पास एक पल्सर है और इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसका सेल्फ काम नहीं कर रहा है। ये देखिए, और यहां पे एक जो प्रॉब्लम है वो यह है कि रिले का आवाज़ आ रहा है। तो मतलब कि रिले में भी कि सही हो सकता है, ऐसा नहीं कि रिले आवाज़ कर रहा है तो सही होगा। रिले तक करंट जा रहा है, रिले ऑपरेट हो रहा है, बट कभी कभी क्या होता है कि रिले का पॉइंट डैमेज होता है तो वो फिर सेल्फ तक करंट नहीं जाता और सेल्फ काम नहीं करता है। तो हम लोग रिले को डायरेक्ट करके देखेंगे। एट प्रेजेंट ये काम नहीं कर रहा है और बैटरी मुझे सही लग रहा है। सही इसलिए लग रहा है क्योंकि जो भी लाइट ये सब है बहुत अच्छे से ग्लो हो रहा है, और हॉर्न भी अगर देखेंगे तो बहुत ही पावरफुल साउंड आ रहा है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट करेंगे कि इसमें कौन सा कंपोनेंट ख़राब है। और मैंने बहुत सारे वीडियोस सेल्फ नहीं काम कर रहा इस पे बनाए मैंने, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट होता है। तो एक तो आपका स्विच हो गया, दूसरा आपका बैटरी हो गया, तीसरा आपका ये रिले हो गया, और चौथा आपका हो गया सेल्फ। इसमें से कोई भी चीज़ अगर काम नहीं करेगा तो ये आपका सेल्फ का जो सिस्टम है वो काम नहीं करेगा, आपका सेल्फ ऑपरेट नहीं करेगा। तो अभी देखना है कि इसमें कौन सा कंपोनेंट डैमेज है इन चारों में से। और वायरिंग सही लग रहा है इसमें क्योंकि सब कुछ ऑपरेट हो रहा है, मे बी कि सेल्फ तक जो वायर है वो डैमेज हो। तो आइए इसे चेक करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने इसका बैटरी का पैनल ओपन कर लिया है, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका रिले है। अब मैं दोनों को टच करके देखता हूँ कि इसका सेल्फ मोटर काम कर रहा है कि नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको केयरफुली दोनों को टच करना है। ये देखिए, तो इसके सेल्फ मोटर में कोई भी चेंजिंग देखने को नहीं मिल रहा है। ये देखिए, सेल्फ मोटर का कोई भी हरकत नहीं है। यहाँ पे ये जो सेल्फ मोटर है बिल्कुल ही साइलेंट है। तो मैं इसमें सेल्फ न्यू लगा रहा हूँ, उसके बाद देखेंगे कि इसमें इम्प्रूवमेंट होता है कि नहीं। तो दोस्तों, इसमें मैंने न्यू सेल्फ मोटर लगा दिया है, और अब इसे हम लोग स्टार्ट करके देखेंगे। और मैंने इसमें इंजन ऑयल ये सब कुछ डाल दिया है। ये कंप्लीट इसमें एक पल्सर में एक सबसे घटिया चीज़ मुझे लगता है वो ये कि सेल्फ मोटर रिप्लेस करने के लिए कंप्लीट क्रैंक कवर ही ओपन करना पड़ता है। ये चीज़ मुझे बहुत ही बुरा लगता है, बाकी सब में सिर्फ ऊपर से ही ओपन हो जाता है। इसमें एक लंबा चौड़ा प्रोसेस अननेसरी होता है, और अगर यहाँ पे कुछ दूसरा कंस्ट्रक्शन रहता तो बहुत ही इजीली निकल जाता है। ये कवर ओपन करने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसे स्टार्ट कर रहा हूँ। ये देखिए, मैं यहाँ पे स्विच प्रेस कर रहा हूँ, बहुत ही वंस अगेन। ये देखिए, तो ये काम करने लगा। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं किसी भी मोटरसाइकिल में। यहाँ पे मेरे पास पल्सर था एग्जांपल के लिए। आप किसी भी मोटरसाइकिल में जो प्रोसेस होता है वो सेम होता है सेल्फ मोटर के लिए। तो इससे ही अप्लाई करके आप देख सकते हैं कि आपके मोटरसाइकिल में, स्कूटर में क्या प्रॉब्लम है। चार कंपोनेंट होता है, आपका स्विच, आपका बैटरी, आपका रिले और आपका ये सेल्फ मोटर। कोई भी एक कंपोनेंट ख़राब हुआ तो आपका प्रॉब्लम आता है, और कभी कभी वायरिंग भी चूहा कट कर दिया, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है। ज़्यादातर वायरिंग का फॉल्ट नहीं आता है, रेयर केसेस में तो ऐसा होता है। तो आप इसे चेक कर सकते हैं और रिप्लेस कर सकते हैं जो भी कंपोनेंट डैमेज है। तो दोस्तों, प्लीज़ डू लाइक किए, अपने दोस्तों में शेयर किए, चैनल सब्सक्राइब किए और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस किए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो आपके लिए बनाऊँ तो नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे सबसे पहले देख सकें। एंड लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।